बॉम्बे आया था 2004 में, थिएटर करना शुरू किया, साथ में जॉब की, साथ में बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम करते रहा जिससे मैं बॉम्बे में टिक जाऊं। और आपको पता है मेरा सबसे बड़ा क्राइम क्या है? कि मैं हर्षद मेहता हूं। वेलकम टू क्लोजर टू द स्टार्स। मैं हूं कुणाल मांडेकर और मेरे साथ इस वक्त है स्कैम 1992 के एक्टर प्रतीक गांधी। प्रतीक, वेलकम टू बुक माई शो। थैंक यू वेरी मच कुणाल। प्रतीक, पहले ये बताइए कि ये स्कैम 1992 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया आपके लिए। कभी आपने सोचा था कि एक वेब सीरीज जो मैं साइन कर रहा हूँ ये इस तरह का इसका रिस्पॉन्स रहेगा? मुझे ये सचमुच एक सपने जैसा ही लग रहा है। जब हंसल सर ने पहली बार मुझे बताया था कि ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, तुम ये करना चाहोगे क्या, तभी मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि कुछ बहुत एक अच्छी चीज का मैं भाग बनने जा रहा हूँ। तो मुझे एक वो संतोष था कि यार कुछ अच्छा होगा, आई विल बी एबल टू टेक प्राइड ऑन दिस। पर ये इतना बड़ा हो जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। प्रतीक, बहुत सारी आपकी एक स्ट्रगल रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। मैं बॉम्बे आया था 2004 में, फिर वहां से थिएटर करना शुरू किया, फुल टाइम मेरा इंजीनियरिंग का जॉब भी किया, उसके साथ थिएटर करते रहा। फाइनली पहली गुजराती फिल्म मिली मुझे बे आर, 2016 को फाइनली जब रॉन्ग साइड राजू रिलीज हुई मेरी दूसरी गुजराती फिल्म जिसे नेशनल अवार्ड मिला, फिर चीजें चेंज हुई, तब मैंने जॉब छोड़ी और फिर मैं फुल टाइम एक्टर बना। जैसे मैंने कहीं पढ़ा कि आपको बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जो गुजराती थिएटर से लोग आते हैं वो इतना बड़ा नहीं कर सकते हैं बॉलीवुड में, वो इतना फेम नहीं पाते हैं, कुछ ऐसे डिस्करेजिंग वर्ड्स भी रहे आपके लिए? ऐसा था कि बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते थे कि यार जब हाथ में इतनी अच्छी डिग्री है, व्हेन यू आर अ फर्स्ट क्लास इंजीनियर, देन व्हाई डू यू वांट टू डू दिस? ऐसे फील्ड में क्यों जाना चाहते हो कि जहाँ क्या होने वाला है कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मतलब बहुत ही अनसर्टेन है, चीजें रोज बदलती रहती हैं, और तुम कभी एक जगह टिक के रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। मतलब ये सारी चीजें तो आ ही रही थी, पर फिर पता नहीं कहीं ना कहीं से ये अंदर का पैशन जो होता है ना वो आपको भगाते रहता है, तो वो जब सोना मुश्किल हो जाता है तब आपको वो चीज करनी पड़ती है। मैंने ये पढ़ा कि आप डबल टाइमिंग भी करते थे, एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे साथ साथ आपने कुछ इंजीनियरिंग का काम भी आप कर रहे थे, इसके बारे में बताइए। मेरी फुल टाइम जॉब चल रही थी जब मैं बीआर शूट कर रहा था, तो मैं नौकरी से 20 दिन की छुट्टी लेके शूट करने गया था। उस टाइम पे मतलब उनके साथ कांस्टेंट टच में रहना पड़ता था, मेल्स के जवाब देने पड़ते थे, इतने सारे प्रेजेंटेशंस हो रहे थे, तो शूट पे लैपटॉप खोल के बैठता था मैं, जैसे ही शॉट खत्म होता था कि मैं वहां पर वो ऑफिस का काम जो था वो करता था, फिर वापस शूट करता था। मतलब ऐसा मैंने थिएटर में भी कई बार किया है, सुबह 5:30 बजे के रिहर्सल, फिर फुल डे का जॉब, शाम को शो। कौन से थिएटर पर्सनालिटीज रहे आपके जिनसे आप काफी प्रभावित रहे अपनी लाइफ में, यू आर मोटिवेटेड बाय देम? एक तो मतलब मैं जिनके साथ इतने सालों से थिएटर करता हूँ, मनोज शाह, जो कि हम गुजराती में हमने बहुत बहुत एक्सपेरिमेंटल थिएटर किया है, 15 सालों से साथ में काम करते हैं। उनका पैशन, वो द वे ही वर्क्स, वेरी कंटीजियस यार वो एनर्जी, मतलब इस उम्र में भी जैसे वो करते हैं काम, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने सुनील छानबाग के साथ काम किया, उनका भी थिएटर का पैशन बहुत अमेजिंग है। लाइफ में कभी ऐसा मौका है जब आपने ये सोचा कि एक्टिंग में मैं क्या कर रहा हूँ या मैं एक्टिंग को क्यों परस्यू करना चाहता हूँ, मुझे गिव अप करना चाहिए? जी नहीं, कभी नहीं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये कितना और ज्यादा कब करूँ। आपका जो ऑडिशन रहा स्कैम 1992 के लिए उसके बारे में कुछ बताइए। ऑडिशन मैंने दिया था मुकेश अवरा के ऑफिस में, तब मुझे पता नहीं था कि ये किस चीज का है। फिर हंसल सर से मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि लेट्स डू दिस। फिर दूसरी बार ऑडिशन के लिए जब गए तब हर्षद मेहता के परिवार के जितने सदस्य थे उनकी 2-3 टीम के साथ हमने ऑडिशन किया, तो वो ग्रुप ऑडिशन था। फिर मुझे पता चला कि ये इस चीज का ऑडिशन था और ये इतना बड़ा है। वो ऑडिशन आपको याद है, कुछ हमारे लिए कर सकते हैं आपको, क्या डायलॉग्स आपने उसको परफॉर्म किए थे? मैंने जो ऑडिशन दिया था ना सबसे पहले, सीरीज में वो सीन ही नहीं है। वो सीन ऐसा था कि हर्षद मेहता पहली बार बीएससी में घुसने की ट्राई करते हैं और वहां का जो वॉचमैन है वो उनको रोकता है कि आपके पास कार्ड नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते, और वो अपना चार्म यूज करते करके उसके साथ बात करते हैं, लाला आपको पता अंदर क्या होता है? नहीं ना, मुझे भी नहीं पता। जब तक पता ही नहीं होगा कि काम कितना अच्छा है कि कितना बुरा है, तो मैं डिसाइड कैसे करूंगा कि मैं जब काम करना चाहता हूँ कि नहीं? तो एक बार अंदर जाने दो, सीखने दो, फिर कार्ड भी बनवा लूंगा। वेल डन, वेल डन प्रतीक। प्रतीक, व्हाट वर योर फॉन्ड मेमोरीज ऑफ वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट स्कैम 1992? हंसल सर के साथ काम करना है, बहुत मजेदार एक्सपीरियंस है किसी भी एक्टर के लिए। जिस हिसाब से वो एक एक्टर को छूट देते हैं, एक फ्रीडम देते हैं, एक विश्वास जताते हैं एक्टर में, तो आपका काम एज एन एक्टर बहुत बढ़ जाता है कि यार अब मुझे जितना है वो सारा मतलब इस किरदार को दे देना है। और ज्यादातर बात यह है कि मैं बहुत इंस्टिंक्टिव एक्टर हूँ, वैसे ही हंसल मेहता इज वेरी इंस्टिंक्टिव डायरेक्टर, सो वो हमारी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से जेल होगी राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। द फर्स्ट फोन कॉल दैट यू गॉट फ्रॉम हंसल मेहता कि आपको मैं कास्ट करना चाहता हूँ, उस टाइम पर बिलीव हुआ था आपको, वो क्या मोमेंट था आपके लिए? अरे वो बहुत ही यार, मतलब मैं एक फिल्म के लिए शूट कर रहा था भूज में जब उनका पहली बार फोन आया था,
और उन्होंने बोला कि मैं अंशुल मेहता हूँ और ऐसे एक कुछ एक प्रोजेक्ट पे हम डिस्कस कर रहे थे, सो वी आई थॉट ऑफ मीटिंग यू, सो व्हेनेवर यू आर बैक इन बॉम्बे लेट्स मीट अप। फोन मैंने हाँ सर बोल के फोन रखा और फिर मैं एक्चुअली विश्वास नहीं कर पाया कि ये उन्हीं का फोन था कि किसी ने मजाक किया है। प्रतीक, यू आर अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ समवन शुड नॉट गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स एंड देयर होप्स एंड हाउ यू कैन मल्टीटास्क एंड एट द सेम टाइम्स गो फॉर योर ड्रीम्स। डू यू बिलीव दैट? यस आई थिंक बिकॉज जिस हिसाब से मैंने काम किया ना, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। एटलीस्ट मुझे नहीं पता था कि इसके अलावा दूसरा कोई अगर रास्ता है तो, बिकॉज हार्ड वर्क का दूसरा कोई सब्सिट्यूट है नहीं। जॉब के साथ मुझे एक्टिंग करनी थी, मुझे थिएटर करना था, तो कोई कंपल्शन नहीं था, पर क्योंकि मुझे करना था तो मैंने किया। और शायद एक चीज को इतने लंबे समय से करते रहो, अपने क्राफ्ट पे काम करते रहो और बिना किसी नेगेटिविटी के आप इस चीज को पाने की कोशिश करते रहो, तो अल्टीमेटली वो होता ही है यार। कई सारे थिएटर एक्टर्स हैं जो गुजरात से आते हैं, चाहे वो परेश रावल हो, चाहे वो दर्शन जरीवाला हो, चाहे वो रत्ना पाठक हो, ये। और लेकिन जो मेन स्ट्रीम हम बॉलीवुड की बात करते हैं, जब मेन स्ट्रीम एक्टर की बात करते हैं, एक हीरो लार्जर देन लाइफ चीज जो होती है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा थिएटर ड्रॉबैक एक आ जाता है इंसान के लिए वहां पर, ये फायदा करने की बजाय थोड़ा बहुत नुकसानदायक रहता है लोगों की नजर में? ये तो थिएटर का एक्टर है, बड़े पर्दे पर कैसे बैठ बैठेगा? मतलब हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते भी हैं कि यार ये थिएटर के एक्टर हैं, इनको स्क्रीन पे, टेलीविजन पे, या फिल्म्स में कैसे वो अडेप्ट कर पाएंगे अपने आप को। पर जितने नाम आपने लिए वो सभी एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने दोनों फॉर्मेट में काम किया और बहुत ही बेहतरीन काम किया। ये ही सब इतने अच्छे एग्जाम्पल्स हैं कि इन्होंने थिएटर भी इतना अच्छा किया, फिल्में भी इतनी अच्छी की, और ये अपने क्राफ्ट को, अपने परफॉर्मेंसेस को ट्वीक कर सकते हैं, जी चाहे वो फिल्म हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे थिएटर हो। सो एज एन एक्टर मुझे लगता है बहुत ही जरूरी है हर एक एक्टर के लिए कि आप किसी भी फॉर्मेट में काम करो, उस हिसाब से अपने आप को ढाल पाओ। प्रतीक, ये बताइए कि कितने कॉन्ग्रेचुलेटरी कॉल्स आए आपको स्कैम 1982 के बाद फिल्म फ्रेटरनिटी से, फिल्म उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है? तो बहुत सारे लोगों ने फोन किया है। सबसे पहला तो कॉल आया था शबाना जी का और जावेद अख्तर साहब का। उन्होंने बड़े प्यार से बात की मेरे साथ। उन्होंने मुझे बताया कि 30 सालों में ऐसी परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं देखी, मेरे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट थी। कल विकी कौशल का फोन आया था एंड ही इज टू स्वीट टू कॉल मी एंड वी स्पोक एट लेंथ। ही सेड दैट ही लव्ड दिस सीरीज एंड माय परफॉर्मेंस। बोनी कपूर जी का फोन आया था। इतने सारे लोगों ने तो सोशल मीडिया पे भी कुछ लिखा है, उन्होंने मैसेज भी किए हैं। भट्ट साहब का फोन आया था, उन्होंने तो वीडियो कॉल किया था मेरे साथ एंड ही सेड दैट आई वांट टू सी योर फेस एंड कांग्रेचुलेट यू, ही इज रियली स्वीट। यू हैव अचीव्ड सक्सेस विद स्कैम 1992, इससे कहीं वो डिमार्केशन एक आ जाता है कि अब मैं गुजराती फिल्म्स नहीं करूंगा, या अब मैं जो लाइव शोज होंगे वो नहीं करूंगा, या मैं इस तरह की चीजें, मतलब कुछ ऐसी डूज एंड डोंट्स रखा है अभी अपने आप में? मैं मेरे रूट्स को पकड़ के रखना चाहता हूँ। मैं थिएटर से आया हूँ, मैं थिएटर पूरी जिंदगी करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ और मैं पूरी तरह जानता हूँ कि थिएटर ही एक्टर का जिम है। वहीं पर जाके हम अपने क्राफ्ट पर काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं और ग्राउंडेड रह सकते हैं। सो ना मैं थिएटर छोड़ रहा हूँ, ना मैं मेरी गुजराती फिल्में छोड़ रहा हूँ। सिर्फ ये होगा कि टाइम तो उतना ही है साल का, तो मुझे सिर्फ उसको डिवाइड करना पड़ेगा, जो शायद पहले ज्यादा करता था थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अब नए फॉर्मेट्स भी आ रहे हैं तो मैं उसको भी एक्सप्लोर करना चाहूंगा। जाते जाते आपकी कुछ फेमस डायलॉग्स हैं स्कैम 1992 के, वो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो ऑडियंस हैं उनके लिए आप अपने फेमस डायलॉग्स रिसाइट करें, बोले। जो लोगों को भी बहुत पसंद आया था वो डायलॉग ये था कि मैं सिगरेट नहीं पीता पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूँ धमाका करने के लिए। और जो लाइन मुझे बहुत पसंद है वो ये थी कि सक्सेस क्या है, फेलियर के बाद का नया चैप्टर। किसी और का ऐसा डायलॉग जो आपको आपको बहुत पसंद था आपके शो में? सो अश्विन भाई का एक डायलॉग था जिसमें हम लोग सब बहुत बहुत हंसते थे कि कोई भी सिचुएशन में उनका एक स्टैंडर्ड डायलॉग होता था, फंड्स कहाँ से आएंगे। एंड देयर इज सम इश्क रिस्क वाला भी डायलॉग जो है आप लोगों का। ओह यस, रिस्क है तो इश्क है। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू प्रतीक, आई होप दैट आप हमें और सेम यार। में और भी शोज में नजर आते रहें, और गुजराती हिंदी सारे सब तरह के शोज में नजर आते रहें, सब तरह के फिल्मों में नजर आते रहें। ऑल द बेस्ट, ऑल द थैंक यू बेस्ट, वेरी मच कुणाल, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच कुणाल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सी यू, सी यू।